जो क्वालिटी दे रहा है उससे बात करेंगे, पीछे लगने वाली बात नहीं। यहाँ जो हम ड्रीम बेड, वो तो पागल तो नहीं है, वो 12,000 का बेच रहा है, उसको पता है 6,000 का बिक रहा है। पागल नहीं है, ब्लेड होता कोई है। बंदा डबल ब्लेड, सिंगल ब्लेड, कोई बंदा पूरी स्पोर्ट्स फील्ड का पूरे पाकिस्तान में मुझे ये बता दे डबल सीजन सिंगल सीजन में फर्क क्या है, मैं काम छोड़ दूं। क्या हुआ नहीं कर सकते, मेरे चैनल पे जाएं, नहीं कर सकते, इनको बताओ मेरा चैनल अगर सिकंदर नहीं कर सकते। मैं आपको करना चाह रहा हूं ऑन ईयर, ये भी अगर ये क्लिप ना कटा आप ना करें, नहीं नहीं ऑन ईयर जाएगा। मैं वाईसी वाईसी डीएनएल लसांथा फोर बैंड निकले तो आगे बोलना दिल भाई तुम झूठे हो। बल्ले की एक बॉल की गारंटी नहीं होती, इस तरह की हरकतें करेंगे तो बल्ला चलेगा इनका। अंदर इससे बेहतर है फट्टे से खेल ले, तो अगले बंदे के पैसे हराम के। और एक बल्ला जो कोकोनट का 6,000 का बिक रहा है, एक बल्ला जो 12 से 15,000 का बिक रहा है, फर्क क्या है उनमें? अस्सलामुअलैकुम भाई, दोबारा हाजिर है नई वीडियो के साथ। नई वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसा बंदा जो हमारे पास अक्सर आता रहता है, और भाई सवाल आज पूछ रहे हैं हमसे कि भाई हमें अब कोई नई वैरायटी दिखाएं या जो आपके पास वैरायटी है उसमें फर्क बताएं। तो हमने कहा चलो भाई आओ बैठ के फेस टू फेस बात करते हैं, और तुम्हारी बात हो रही है, बैठ जाओ आज। अब आप यानी ये चाह रहे हो कि आपको फर्क बताएं हम? फर्क बता तो सिर्फ माफिया तो भाई साहब एसएमसी के पीछे लगे हुए, क्या हो गया? जो क्वालिटी दे रहा है उससे बात करेंगे, पीछे लगने वाली बात नहीं है। जो हम क्वालिटी पे बात करते हैं आपको पता है, करो बात, चलो आ जाओ दिखाओ। शुरू में जेडी आया हमारे पास, जिसमें साकी आया, साकी की क्वालिटी दिखा के बात करो। जेडी देखो यहाँ पे, अच्छा निकाल ये देखो बाप, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये तीन इस टाइम मेजर चल रहे हैं, साकी भी चलाते हैं जरा ये देखो। ये बल्ला था ना ड्रीम बैट, वन इन वन अपॉन अ टाइम। अच्छा अब ये बता दो फर्क क्या है, आपने ये फर्क क्या है? देखो हमारे मैं बचपन से इनको देखते आ रहा हूँ, एक मैं बचपन से इनको देखते आ रहा हूँ। अब मैं ये क्यों बचपन से मैं 2009 से अच्छी से खेलना स्टार्ट किया, तब से आप कौन सा देख रहा है? साकी। और उसके बाद जेडी, जेडी कब से देख रहे हो? जेडी अभी रिसेंटली 5-6 साल। नहीं अंग्रेज सुनेगा तो ऐसा ही है। अच्छा अभी इसमें हम बात करते हैं कि आपको हर ब्रांड फर्क क्या दे रहा है, क्या फर्क आ रहा है ब्रांड्स में बताओ, और क्या क्वालिटी में फर्क है? देखें हर ब्रांड में हर क्वालिटी में अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन होती है। अब कस्टमर ये कहता है जी कोकोनट का बल्ला है, कोकोनट का बल्ला तो हमारे को 7,000 का मिल रहा है, 8,000 का मिल रहा है। हाँ तो ये भी सही बात है यार, 7,000 का बेट बन जाए तो मैं क्यों 12,000 का लेगा? ये बात थी ना, बस पैकेज का हम बता देते हो, मैं आपको बताता हूँ। होता ये है एक ब्रांड अपने जब ब्रांड लॉन्च कर रहा है उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसमें क्वालिटी है, उसमें वैरायटी है। वो तो पागल तो नहीं है, वो 12,000 का बेच रहा है, उसको पता है 6,000 का बिक रहा है, पागल नहीं है। हर बंदा अपने ब्रांड में कोई ना कोई स्पेशल चीज दे रहा है। अब आते हैं लकड़ी के ग्रेड्स पे, मैं आपको पहले ग्रेड्स बताता हूँ फिर उसके बाद मैं इन पे बात करूंगा, वैसे बात करना फजूल है। कोकोनट वुड, सारे बल्ले कोकोनट वुड में, कोकोनट वुड में कितने ग्रेड है आपको मालूम है? बोल तो आप 6,000 का मिल रहा है, 7,000 का मिल रहा है, 5-6 के नाम बताओ एक का भी। यार इनका काम नहीं, इनका काम खेलना है, इनका काम खेलना है, इनको गर्ज नहीं है कि ब्रांड कितना मेहनत करता है। अब डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करूँ सिकंदर, ये डबल सीजन सिंगल सीजन जो है ना, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। हाँ डबल सीजन भी सुना है मैंने, डबल ब्लेड भी होता है, कोई बंदा डबल ब्लेड सिंगल ब्लेड, कोई बंदा पूरी स्पोर्ट्स फील्ड का पूरे पाकिस्तान में मुझे ये बता दे डबल सीजन सिंगल सीजन में फर्क क्या है, मैं काम छोड़ दूंगा। डबल सीजन सिंगल सीजन में होता है क्या लकड़ी में? अर मेरी वीडियोस बनी हुई है, काफी लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएं, नहीं कर सकते, इनको बताओ मेरा चैनल अगर सिकंदर नहीं कर सकते, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब मैंने कस्टमर को रोक के पूछा, आपने नहीं देखी मेरी कितनी वीडियो? एक कस्टमर आया जी डबल सीजन का बैठ दो, एक कस्टमर आया 4 सीजन का बैठ दो, मेरी हट गई। मैंने कहा बात सुनो, इधर खड़े हो मुझे बताओ 4 सीजन में डबल सीजन में सिंगल सीजन में फर्क क्या होता है? करा लकड़ी आती है वो 2 साल तक सूखती है तो उसको डबल सीजन कहते हैं, 3 साल सूखेगी तो 3 सीजन कहेंगे, 1 साल सूखेगी तो 1000 सीजन कहेंगे। तो मैं कहा अच्छा ठीक है,
अब आप कह रहे हो ना, अब ये एक चैलेंज मैं आपको करना चाह रहा हूँ, ऑन ईयर ये अगर ये क्लिप ना करता आप ना करें, नहीं नहीं ऑन ईयर जाएगा, मैं उसको उसकी जैसे मार्केट में घूमता रहता हूँ, मैं किसी नई शॉप पे जाऊंगा, किसी भी शॉप पे मैं जाऊंगा आपके अलावा, वहाँ जाके मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डबल सीजन सिंगल सीजन दिखाएंगे, टाइटल में मैं लिखूंगा। और अगर ठीक है, अगर वो सही हुआ, हाँ अगर उसकी बात में फर्क सही हुआ, क्योंकि मैं हूँ खुद एज अ यानी कि मैं वर्कर हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैक्ट्री है मेरे पास सियालकोट में, और मेरा अपना माल बनता है ये, बिल्कुल बंदा वालिद से अपने बाप से ही सीखता है, और हमारा ये ना समझे कि छोटा बच्चा है, का काम है, और सियालकोट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्रीज है। अब वहाँ पे मैं हम लोग सब चीजें सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे सामने कोकोनट आता है, माल आता है लकड़ी का, हमने देखा किस तरह वो सेट होता है। अब आपको बताते हैं कि कोकोनट में फर्क क्या होता है, इसमें चार पांच ग्रेड आते हैं, पांच ग्रेड आते हैं अलग अलग, जो कॉमन सबसे ज्यादा चलते हैं उसमें चलता है वाईसी डीएनएम के बाद आता है लसांथा, लसांथा मोस्टली पॉपुलर है मगर चलता नहीं है ज्यादा, उसकी वजह है मैं आपको बताता हूँ, और एक है फोर बैंड जो है सबसे ज्यादा अच्छे ग्रेड्स में चलने वाला वुड ही फोर बैंड है। अच्छा ये सारी बात जो आप कर रहे हैं ना, ये वीडियो में रिकॉर्ड तो हो रहा है, मैं ऑथेंटिकेशन से बात कर रहा हूँ, मैं हूँ रिसर्च वाला बंदा, अगर टाइम होता है मैं गूगल पे रिसर्च करने लग जाता हूँ, तुम करो, इनमें से कोई बात झूठी निकले तो आगे बोलना दिल भाई तुम झूठे हो, वैसे ही हमारी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, आप आगे बोलना दिल भाई तुमने झूठ बोला था, यही बोलो ऐसे ही बोलना, और वीडियो में बोलना मैं ऑन एयर करूंगा इंशाल्लाह, एक बात तुम गलत निकाल के दिखाओ, ओके हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हनीफ स्पोर्ट बात करता है सच्ची करता है। चलो पूरा पॉइंट आते हैं, चार बल्ले हैं मेरे पास में 12,000 का, छोटा चलो बजट का कोई इशू ही नहीं है, हाँ रईस खानदान भाई, रईस खानदान ऊपर से आ रहा हूँ मैं, बहुत पैसे हैं, पैसा है पैसा है, ठीक है देखा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने, अच्छा अच्छा अब मुझे चाहिए बेस्ट बेट अपने खेलने के लिए, मेरे बरगाने छक्के चौके मैंने क्रीज पे खड़ा होने, सबसे पहली बात ये है छक्का जो है ना बल्ला नहीं मारेगा प्लेयर मारेगा, आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप बॉल को जज करो, बॉल क्या से आ वाले वेट से छक्का मारा हूं, बड़ी बात छक्का तो लग जाए, और सपोज एक बॉल लाओ कोकोनट बैट, कोकोनट बैट इसमें क्यों इतना बात चल रहा है, लोग तो 5,000 वाले बल्ले से भी खेल सकते हैं, 2,000 वाले बल्ले से भी खेल सकते सामने, इसमें क्यों क्या 300 वाले वेट से हम खेलते हैं, इसमें क्या बात है जो भारत से खेल रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं, फील आ रही है एक फील नहीं फील, एक रावला कोर्ट का जो बैट है ना मैं आपको वो दिखाता हूं वो कैसे अनबैलेंस होता है, और एक कोकोनट का बैट है वो कैसे बैलेंस होता है, इधर आओ बेटा वो बैट दो वाइट येलो वाला, हाँ जल्दी करो, अब आप ये देखना सिकंदर, ये रावला कोट का ये भी आपका, ये भी मेरा ब्रांड है, रावला कोट का बैट जो होता है उसमें क्या क्वालिटी आती है वो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आप इसको पकड़ो खड़े हो, कैसा बैलेंस है, अच्छा है, अब आप इसको उठाओ, इसका बैलेंस कैसा है, उससे तगड़ा है बैलेंस का फर्क है, देखो जब बैलेंस ओके होगा ना कोकोनट में, अब वेट का चक्कर खत्म हो चुका है कोकोनट के अंदर, अब वेट वाला जो चक्कर था ना, जो 750-800 ग्राम वाला या 850 ग्राम वाला, वो चक्कर हो गया खत्म, अब आता है बैलेंस, अब आपका अगर बैलेंस बैट 800 ग्राम का अनबैलेंस है बेकार है, क्योंकि कोकोनट का फायदा ही है जो बल्ला टाइमिंग वाला होता है, इसमें टाइमिंग ऐसी होती है ना कि ठक करके बॉल पे लगता है, ये वाला बल्ला आपका डिले हो जाएगा, अमूमन ये डिले हो जाता है कि कभी झटका लगता है कलाई को, कभी नीचे उतरने में देर कर देता है, कभी ऊपर चढ़ने में देर कर देता है, ये मसला होता है। ये एफएमसी काफी अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। बताएंगे आपको सुकून से, जरा बातें करते हैं, बहुत सारी बातें हैं हम जो करना चाह रहे थे अपने व्यूअर्स से, अपनी ऑडियंस से, तो अब आते हैं नेक्स्ट माफिया को रखते हैं इधर, अब लाते हैं पहले कंपेरिजन करते हैं साकी जेडी पे, साकी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अपनी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अभी वीडियो बनाई हमने, नहीं लास्ट टाइम उस वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो साकी ब्रांड है वो क्वालिटी पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर किया था, आपने हमारे व्यूअर्स ने ये बात नोट की होगी कि जो हमारा साकी का जो नया ब्रांड चल रहा है वो हमने नहीं रखा अभी तक, उसमें लास्ट वीडियो देखी थी हमारी बंटू भाई वाली, मीटअप हुआ था उनसे, तो उसमें उन्होंने खुद बोला है कि साकी का बैट टूट रहा है, अब प्लेयर बात कर रहा है, जो प्लेयर बोल रहा है बंटू भाई, इनका मेन जो खेल रहा है वही बोल रहा है कि यार इनका बल्ला टूट जाता है, ये जो नया मॉडल है,
वो खुद ज्यादातर पुराने मॉडल से कभी कभी लगता होगा 12,000 का बल्ला नहीं 14,000 का वो एक ही है। आज मैं अभी ये बता देता हूँ, बल्ले की एक बॉल की गारंटी नहीं होती किसी भी किस्म की। अच्छा बाकी बातें होती रहेंगी, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ये बंदा भी है इसको भी फेमस करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल का नाम तो बताओ, ये सिकंदर उमर चैनल है ना, इनका ये देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। यार गरीब मानू आप, गरीब मानू आप, कच्चे हो सिंधी हो चले, नेक्स्ट आते हैं हम तफरी बाद में करेंगे, अभी आपको दिखाते हैं जेडी की क्वालिटी। जीडी हमारे पास चल रहा था, जीडी का बॉटम कैसा था स्टार्टिंग में आता था वही चीज थी, तुम्हारे मुंह जितना उसका बॉटम था, मैं पानी आ जाएगा बल्ले अच्छा बैट्समैन है उसके। अब इसका बॉटम की हालत देखो, इसके बॉटम की हालत अब वाली बात है ना, क्वालिटी मेंटेन नहीं। अब आप इसके बॉटम की हालत देखो, ये बॉटम की हालत है, ये ओरिजिनल बल्ला है, ये देखो, ये देखो साइड है, देखो ये देखो बॉटम है कोई, ये वैरायटी ऊपर से देखो इतना पतला, नीचे से मोटा कर दिया, बल्ला अनबैलेंस है, बैलेंस है बल्ले का, पकड़ो, मैं नहीं बोलूंगा, जो ईमानदारी वाली बात है वो बोलो, खड़े हो गए चेक करो ना यार। नसी से बोलूं तो जो पहले इनके बेटा रहे 2000 तकरीबन एक साल डेढ़ साल पहले, डेढ़ साल पहले जो हमने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तो वो मुझे ज्यादा बेहतर लगा था, उसकी फिनिशिंग भी जबरदस्ती, ब्लू वाला जो था, ब्लू वाला अब था महंगा, वो था महंगा। हाँ मैं ये कहता हूँ आप पैसे लो हमसे, हमें क्वालिटी दो। मैं सिर्फ इस फील्ड में नहीं, मैं कहीं पे बाहर भी कोई चीज़ परचेज करने जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ क्वालिटी वाली चीज़ कौन सी है। कितनी महंगी है यार, 200 रुपये महंगी है, 1500 महंगी है, 2000 महंगी है, मेरी बार बार की चिक चिक तो खत्म हो जाएगी। एक तरीके से आप अपनी जिंदगी बेटर करते हैं बस। अच्छा अब आते हैं इसमें जेडी और साकी में फर्क, तो मैंने आपको बता दिया, ये तो टोटली अनबैलेंस है, इसको रख देना साइड पे, क्योंकि इसमें ऊपर ना शेप है ना नीचे शेप है, शेप ही आउट बल्ले का। अब आते हैं जेडी ने, जेडी ने मारा भंड, ब्लेंडर की है अपने ब्रांड के साथ, इन्होंने टोटली अपने बैट को ये देखो शेपलेस कर दिया, जल्दी जल्दी में ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, नहीं मैं नहीं बोल रहा, बैट खुद बोल रहा, ऑडियंस खुद फैसला करेगी। हाँ अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं माफिया पे, माफिया मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखो शोल्डर मैटर करता है सिकंदर, ये मैं आपको बताऊं, शोल्डर बॉटम से ज्यादा शोल्डर मैटर करता है, पेट का शोल्डर, ये शोल्डर्स, वजह ये है कि जब शोल्डर जानदार होगा ना तो उसके अंदर हैंडल सर्वाइव ज्यादा करेगा, शोल्डर पतला होगा हैंडल ही सर्वाइव नहीं करेगा। ये देखो एक 140 का बैट, इसका आप शोल्डर देखो, इसका बॉटम देखो, बल्ला ये शेप है, एक 48 की भी काफी हाइप बनी थी बीच में, अभी ठंडा हो गया, ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो बल्ला चलेगा इनका, बंदा तो इससे बेहतर है फटे से खेल ले। क्या हुआ, कंप्लेंट आई है क्या? अबे यार मेरी याद ये तो बंदा, आप कस्टमर इतनी इतनी महंगी चीजें लेके जाए, आप उसके ऊपर भंड मार दो, अगले बंदे के पैसे हराम के, जवाब भी देने जैसे नहीं होते ना, तो क्या बोलेंगे बस। अब हम अगले के ब्रांड को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, हम देखो कुछ ना कोई। अब ये देखो इसका बॉटम शोल्डर अच्छे बने हुए हैं, इसका बॉटम बेहतर बना हुआ है, बैलेंस आप देखो, मैं नहीं बोलूंगा, बैलेंस अभी तो मैंने चेक करवाया है यार, ये बेहतर ये लगा सकते लाल, ये एफएमसी को मैंने नहीं देखा, एफएमसी को नहीं देखा। अब आपको मैं दिखाता हूँ डब्ल्यूएस का एफएमसी एडिशन, और नो डाउट मेरे पास जितने भी ब्रांड्स हैं इसमें लगा, मेरे पास साकी, जेडी, जीए, जर्मन, AK-48, यारियां और साकी, इन सब में मेरे पास जो ब्रांड चलने वाला है ना वो डब्ल्यूएस और माफिया, इनको कंपैरिजन है फिलहाल, चलो इनको कंपैरिजन कर लेते हैं, अच्छा जी तो चलो इनके कंपैरिजन, मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई और सारी मैंने आपको लकड़ी की डिटेल्स बताई, सारी मैंने आपको चीज़ें बताई कि इसमें फ़र्क कहाँ आता है, क्या चीज़ में फ़र्क होता है, तो अच्छा सारी मैंने आपको चीज़ें बताई इसमें फ़र्क कहाँ आता है, क्या फ़र्क होता है बैट्स में, वुड्स में, हैंडल्स में। अब एक मैं आपको बात, यहाँ पे वीडियो एंड करेंगे हम, और इसके कंपैरिजन की वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे, ओके ओके, एक और वीडियो आएगी, तो दो वीडियोज एक साथ आएंगी तकरीबन, उसमें कंपैरिजन होगा माफिया हनीफ में, जेडी में। और अब आएंगे इस पे के इस पे बैट पे कॉस्ट कितनी आती है, और एक बल्ला जो कोकोनट का 6000 का बिक रहा है, एक बल्ला जो 12 से 15000 का बिक रहा है,
फर्क क्या है उनमें, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, फर्क यहाँ पे आता है सिकंदर भाई, आपने लास्ट वीडियो एक बनाई थी मुस्तफा भाई के पास, जब कंटेनर आपने खाली किया था। हाँ। इनके चैनल पे लिंक है, इनका चैनल का लिंक मैंने ओके कर दिया। हाँ। तो मिल जाएगा। और सिकंदर उमर के नाम से इनका चैनल है, आप वहाँ पे जाके चेक करें। उन्होंने क्लेफ्ट का कंटेनर की एक वीडियो बनाई है। अच्छा, वो बनाई है मैंने माशाल्लाह। सिकंदर आप बताओ कितनी उसमें क्वालिटीज है, कितनी उसमें वुड में कितने ग्रेड्स? यार उन्होंने ढेरे बना के रखे हुए थे, 5 से 6 अलग अलग। हाँ, उन्होंने नाम उनको बताया था, मुझे नहीं पता था, मैं बस वीडियो बना रहा था। उन्होंने बोला ये वहाँ जाएगी, ये वहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी। कुछ लकड़ी बहुत बेकार क्वालिटी समझने, बहुत ही थर्ड क्लास थी, और ऐसी वुड थी जो बिल्कुल जबरदस्त थी। कोई कोई वुड थी बिल्कुल जबरदस्त थी, प्लेन थी, शाइनिंग वाली थी, ब्राइट थी, और ऐसी थी ब्लैक शेड हो रहा था। उनका अलग अलग नाम उन्होंने बताया। बस 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 यही चीजें आती हैं, जहाँ पे वुड जो है, वुड उसमें डिफरेंसेस आते हैं, वुड में अलग अलग क्वालिटीज आती हैं। अच्छा, अब सिकंदर हम वीडियो को करते हैं एंड। ओके, हो गया। और अब आपको देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम सारे ब्रांड्स में कंपैरिजन की, कौन सा बेड ज्यादा बेहतर जा रहा है। और हाँ, और इसमें अब आपको मैं बताऊं, जो एक 6000 के वुड है, उन्होंने बताया कितने की वुड आती है, 4000 की। अब जो अच्छी वुड आ रही है ना, जब 4000 की वुड आ रही है, उससे हल्के ग्रेड में जाना है, वो 3000 की वुड आती है, जो 6000 का बल्ला आता है ना। अच्छा भाई, हम वीडियो बना रहे थे, अचानक से बारिश आ गई, खतरनाक बारिश आई है। बारिश आई है, हमने जर्नी कंप्लीट हो गई है। आज इसके बाद कंपैरिजन की वीडियो रह गई है कि सारे ब्रांड में कंपैरिजन लाना है, तो इंशाल्लाह जल्दी से हम कंपेयर करने वाली वीडियो लेकर आएंगे। इसका इंतजार करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये सिकंदर भाई हैं, इनके चैनल को लाजमी फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। क्या होता है भाई, हाँ भाई, जो भी होता है वो सब कर दें। देख लिया करो। अल्लाह।